वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डिविजिम। देखिए, हमारे पास चैप्टर थ्री है, चार्पिट मेथड्स। इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज थ्री का। इसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए आपको एक्सरसाइज हम थ्री दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज थ्री में इस प्रकार क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर वन से लेकर सिक्स तक सॉल्व कर चुके थे। आगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेवन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन इस प्रकार है, 2xz² q² + 1 = p z। इसे हम क्या किए, इक्वेशन वन मान लिए, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये 2x, इसको पी जेड को उठाकर अपने पास ले आएंगे, मतलब माइनस में आ जाएगा। आपको जो है फंक्शन मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू में आपको ये चीज़ें लेट कर लेना है, डोंट वरी। यहाँ पर आपको जो है डेल एफ बट्टा में डेल एक्स, आप जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल एफ बट्टा में डेल एक्स, मतलब ये होता है इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ हमें निकालने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमें जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसमें ये चीज़ हमको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब पुट करना है। पुट करने के लिए ये चीज़ हमें चाहिए। तो देखिए, आपको डेल एफ बट्टा में डेल एक्स निकालेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये सब कांस्टेंट है, 2z² q² कांस्टेंट और एक्स का वन। यहाँ पर देखिए, ये और ये आपको प्लस का 2, और ये भी कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। डेल एफ बट्टा में डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो मैं वाई वाला है ही नहीं है इसलिए जीरो। और उसके बाद जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए, जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर है तो ये दूनी 4x और यहाँ पर q² और ये आपको जेड माइनस का पी। देखिए, यहाँ पर भी है तो ये, यहाँ पर आपको ये चीज़ है। डेल एफ बट्टा में डेल पी निकालेंगे, मतलब पी के रिस्पेक्ट में, तो पी क्या यहाँ पर है और यहाँ पर पी नहीं है, चलिए यहाँ पर नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज़ आ चुका है, डेल एफ बट्टा में डेल क्यू भी निकाल लिए, तो यहाँ से आपको डेल एफ बट्टा डेल क्यू। तो आपको देखिए, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम निकालते हैं चारपिट, तो यहाँ पर आपको जो है मान सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहाँ पर डेल एफ बट्टा डेल एक्स का मान डेल, और यहाँ पर पी इंटू डेल एफ बट्टा में डेल जेड का मान, सभी मान यहाँ पर क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब पुट कर देना है। यहाँ पर देखिए, जब मान पुट कर देंगे ना तो कुछ ऐसा दिखने वाला ही है, नॉर्मल मान, मतलब जो अभी हम निकाले वही चीज़ यहाँ पे क्या किए, पुट किए। तो देखिए, आपको यहाँ पर सेकेंड और थर्ड मेंबर को हम ले लेते हैं, ये वाला आपका सेकेंड है, ये थर्ड, ये दोनों को आप उठा लीजिए। इसमें आपको क्या होगा कि देखिए, आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर तो क्यू पहले से कॉमन था, ये पी जेड माइनस का 4qz² x, यहाँ से आपको क्या किया गया, माइनस का जेड कॉमन लिया गया, देखिए ना, माइनस का जेड, तो ये आपको माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी बाद में, और ये प्लस हो चुका होगा, और ये 4xq² z, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर से आपको निकल चुका डी क्यू बट्टा में क्यू बराबर में माइनस डी जेड बट्टा में जेड, ये इंटीग्रेट कर देंगे तो ये लॉग क्यू, ये माइनस लॉग जेड, ये प्लस का लॉग है। आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते, ये लॉग क्यू बराबर में आपको हो चुका है लॉग, ये देखिए, ये लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला, लॉग ए बट्टा जेड, मतलब आपको क्यू का मान आ चुका है यहाँ से ए बट्टा जेड, ये लॉग लॉग खत्म हो चुका है, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन वन से आ जाते हैं, जिसे हम इक्वेशन वन माने, मतलब यहाँ पर Q का मान पुट कर देंगे तो हमारा आसानी से देखिए P का वैल्यू निकलना आसान हो जाएगा। देखिए, Q का मान पुट करिएगा तो ये z² कैंसिल हो चुका है, मतलब आपको ये 2x और ये आपको a² + 1 बराबर का पी जेड। अब देखिए, हमारे पास P का मान आपको ये चीज़ आ चुका है, देखिए ना, आपको इसके डिवाइड में ये जा चुका होगा, तो ये P का मान है। अब फाइनली आपको क्या करना है, ये डी जेड बराबर में पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, मतलब आपको इसमें क्या करना, मान को पुट कर देना है। तो फिलहाल हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो डी जेड बराबर में ये 2x इंटू q² + 1, मतलब यहाँ ये a² है तो a² + 1 बट्टा में 2, और यहाँ पर a/2 इंटू डी वाई। देखिए, इस तरीके से अपन आ चुका है, मतलब q का भी मान सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और p का भी, और यहाँ पर p और q दोनों मान पुट कर चुके हैं, मतलब आपको ये z, आपको एलसीएम ले लेंगे तो ये z आपको इसके गुना में हो चुका होगा, मतलब z डी जेड बराबर में आपके पास ये चीज़ आ चुका है। इंटीग्रेटिंग वी गेट, मतलब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो ये z का आपको क्या हो चुका है, आपको z² / 2 2, और यहाँ पर a² + 1, और यहाँ पर देखिए ये x dx है, इसका ये मतलब हो चुका है, इसका अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, और ये a बाहर और ये dy। आप देखिए यहाँ पर क्या, आपको ये आ चुका 2 2 कैंसिल, यहाँ पर x² के साथ मुश्किल नहीं है, a² + 1 इंटू x², ये ay + b। देखिए यहाँ पर हम b कांस्टेंट ले लिया, मुश्किल नहीं है। एंड आपको देखिए, ये z² बराबर में यहाँ पर 2 था तो 2 गुना में भेज दिया गया, तो ये 2b हो चुका था, जिसे एक नाम दे दिया गया b, राइट। तो आपके पास ये आपको क्या आ चुका, फाइनली इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। देखिए, 7 के बाद हमारे पास एक 8 नंबर क्वेश्चन है, वो दिखता है इस प्रकार है। तो आप देखिए, यहाँ पर सिमिलरली काम करना है, आपको फंक्शन ले लेना इस तरीके से, और डेल एफ बट्टा में डेल एक्स वही काम करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली काम कर रहे हैं, तो मतलब आपको जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट, वनली वन एक्स की बात हो रही है, तो यहां पर एक्स है ही नहीं है, मतलब जीरो। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई यहां पे मौजूद है क्या, हाँ ये चीज़ें वाई मौजूद है, तो z² p² जेड के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो यहां पर देखिए, जेड के रिस्पेक्ट में करते तो क्या है, ये आपको 2z, अच्छा ये वाला है
टू जेड पी स्क्वायर वाई। तो ये चीज़ आपको यहाँ आ चुका है, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टू पी बाय जेड स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है, क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वनली वन माइनस वन। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, चार पीट इक्वेशन मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये पे पुट कर देना है, ये मान जो निकाले ना वो मान आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए मैं पुट करता हूँ, डेले बट्टा में डेल एक्स का मान पी इंटू डेले बट्टा में डेल जेड का मान। तो यहाँ पर आपको देखिए ये पुट कर चुके हैं ना, यहाँ पर डेले बट्टा डेल वाई का मान क्यू इंटू डेले बट्टा में डेल जेड का मान, ये सभी मान आपको क्या किया गया यहाँ से आपको देखकर क्या किया, यहाँ पर आपको पुट कर दिया गया। अब देखिए ये मान तो पुट कर चुके, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, अब हम क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड वाले मेंबर को उठा लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये हमारा थर्ड है, दोनों मेंबर को आप उठा लीजिए। तो यहाँ पर से आपको आ चुका है ये डी पी बट्टा में टू पी क्यू वाई जेड और यहाँ पर डी जेड बट्टा में माइनस का टू क्यू प्लस का क्यू, राइट। तो हमारे पास ये आ चुका वाई जेड स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर में ए। तो हमारे पास जो है ये डी पी बट्टा में ये टू पी यहाँ पर से आपको कैंसिल हो चुका है, क्यू आपको देखिए अच्छा एक चीज़ है ये माइनस टू था कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर आपको माइनस तो बचा हुआ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है ये डी पी बट्टा में टू पी क्यू वाई जेड और ये चीज़ आपको क्यू का मान, क्यू का मान आप पहले से यहाँ निकाल चुके हैं, नहीं निकाल चुके अब देखेंगे क्यू का मान आप यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ है क्यू बराबर वाई, ये चीज़ यहाँ देखिए ना मैं आपको बताता हूँ, ये हाँ ये वाला पार्ट है क्यू बराबर में लिख सकते हैं वाई जेड स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्यू का मान क्या कर चुके निकाल चुके हैं और यहाँ पर क्या करेंगे हम पुट कर देंगे। देखिए ये पुट करने से क्या हो जाएगा कि देखिए कैंसिल हो जाएगा, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर वाई जेड जेड कैंसिल हो रहा है। तो देखिए आपको हमने कहा कि यहाँ पर से क्यू का मान भी पुट कर दिया और यहाँ से आपको कैंसिल भी कर दिया और ये चीज़ आ चुका है ये डी पी बट्टा में पी और ये माइनस टू को इधर भेज दिया तो माइनस टू बट्टा जेड। इंटीग्रेट करना हमारे लिए अब काफ़ी आसान है, ये लॉग पी और ये मतलब माइनस टू लॉग जेड, ये प्लस का लॉग ए कॉन्स्टेंट था जिसे हमने कहा किया एडिंग कर दिया। अब फिलहाल देखिए हमारे पास आ चुका है ये लॉग पी और इसको उठाकर लिया है तो टू लॉग जेड और बराबर में लॉग ए आ चुका है, मतलब आपको आ चुका है ये लॉग पी और ये टू लॉग जेड है ना, ये टू जो है इसके मतलब स्क्वायर बन जाएगा इसका लॉग जेड का है ना, तो ये आपको हो चुका है लॉग जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये लॉग एम इंटू एल लगाएंगे, लॉग पी इंटू लॉग जेड स्क्वायर, तो लॉग लॉग खत्म, पी जेड स्क्वायर बराबर में ए, पी का मान ए बट्टा में जेड स्क्वायर आ चुका है ये चीज़। देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन में यहाँ पे पी का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब यहाँ पे मान पुट करने के बाद क्या आएगा आपको वाई ए स्क्वायर बट्टा में जेड स्क्वायर बराबर का क्यू, देखिए क्यू भी निकल चुका है। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब आपको क्या करेंगे हम डी जेड बराबर में पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है पी का मान और क्यू का मान पुट करना है, देखिए मान तो पुट कर सकते काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, ए जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स ये प्लस वाई जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो आपके पास ये जेड स्क्वायर डी जेड बराबर में आपको ए डी एक्स वाई ए स्क्वायर डी वाई, अब इसका क्या करना आपको इंटीग्रेटिंग करना, इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है, जेड स्क्वायर का जेड का पावर तीन बट्टा तीन ये एक्स ये आपको ए वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में टू और एक चीज़ हम कॉन्स्टेंट था मैंने ले लिया बी और यहाँ पर आपको जेड क्यू का मान आ चुका है आपको थ्री ए एक्स तीन बट्टा दो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का बी आ चुका है, ये बी चीज़ आपको जो क्या था आपको पहले तो लघुत्तम लेंगे ना यहाँ पर, अच्छा बिना लघुत्तम लिए काम हो सकता है दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पर जेड का पावर तीन था आओ कोई दिक्कत नहीं है, ये तीन आपको गुना में भेज दिया गया और कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर थ्री बी आता ना इसीलिए थ्री बी को एक नाम दे दिया गया आपको बी, ओनली बी आपको यहाँ पर क्या किया नाम दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सात था जो आपका सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर ये नाइन सॉल्व करेंगे वो एट था, ठीक है।